गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजयन विक्टर है, रामचंद्र पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से। आज हम आपको बताने वाले हैं स्पोटम फॉर एफवी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जांच करने की विधि, जिसे हम लोग करते हैं जील नीलसन मेथड से। जील नीलसन एक स्टेनिंग प्रोसीजर है, इसके अंतर्गत सिखाया जाता है कि कैसे स्टेनिंग करते हैं, कैसे किया जाएगा और माइक्रोबैक्टीरियम के टीबी की बैक्टीरिया किस तरह दिखते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्पोटम फॉर एफवी होता क्या है। स्पोटम फॉर एफवी एएफबी एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई का मतलब होता है कि जो एसिड से भी तेज होता है, एसिड से भी नहीं मरता, उसे बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जांच करने के लिए हम लोग एएफबी स्टेन करते हैं, जिसे हम लोग जील नीलसन स्टेन नाम से भी जानते हैं। उसके लिए कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो सैंपल हम लोग को चाहिए होता है स्पुटम, पस और सलाइवा, मतलब किसी चीज़ में हम जांच कर सकते हैं, या कोई भी सैंपल हो और फ्लूड, बॉडी फ्लूड हो, उसमें भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये हमारा किसी का बॉडी फ्लूड है, इसी तरह हम स्पुटम भी यूज़ कर सकते हैं किसी का। ये स्प्रिट लैंप है, क्लीन ग्लास लाइट, ये हमारे जरूरी रिएजेंट्स हैं। इसका नाम है मिथिलीन ब्लू, कार्बोल फुशन 25% H2SO4, तीन रिएजेंट्स हैं। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जांच करने के लिए, स्लाइड बनाने के लिए दो स्टेप में करते हैं, तीन स्टेप होगा। पहले स्टेप में हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे, दूसरे स्टेप पे स्टेनिंग करेंगे, तीसरे स्टेप पे माइक्रोस्कोपिक करेंगे। तो पहले हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। स्लाइड प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो क्लीन ग्लास स्लाइड्स हैं, इनको क्या करेंगे, पहले हम लोग स्प्रिट लैंप जलाते हैं। स्प्रिट लैंप पे पहले इस क्लीन ग्लास स्लाइड को 4 से 5 बार पास करते हैं, जिससे इस पे जो मॉइस्चर है वो मर जाते हैं पूरी तरह से। उसके बाद वायर लूप हो, ब्रूम स्टिक हो या स्टरलाइज्ड स्टिक हो, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को मिक्स करने के बाद एक दो ड्रॉप ले लेते हैं स्लाइड पे। और इसको राउंड या होल पोजीशन में इसे रोटेट करते हैं, राउंड या होल पोजीशन में इसे घुमाते हैं, फैला देते हैं इस तरह से। आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बननी चाहिए स्मियर, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, इस स्मियर को हम लोग रूम टेम्परेचर पे सुखाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, पहले स्टेप हमने स्लाइड प्रिपरेशन किया। दूसरे स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्लाइड सूख गया रूम टेम्परेचर पे, ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसे हमें स्टेनिंग करना है। स्टेनिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, 4 से 5 बार उल्टी दिशा में इसको हम फ्लेम पे पास करेंगे। फ्लेम पे पास करने का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्पुटम फॉर एफवी के बैक्टीरिया होते हैं, इनके ऊपर वैक्स की परत चढ़ी होती है, वैक्स कोटेड होते हैं। जब इसको फिर से हम गर्म करते हैं तो जो वैक्स की परत होती है छूट जाती है, फिर माइक्रोबैक्टीरिया को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखना आसान हो जाता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको 4 से 5 बार पास करेंगे। और इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग का आएगा स्टेनिंग। स्टेनिंग के लिए हमारे पास ये कार्बोल फुशन है रिएजेंट, इससे हम लोग स्टेनिंग करेंगे। प्राइमरी स्टेन है कार्बोल फुशन। कार्बोल फुशन को क्या करेंगे, कार्बोल फुशन को हम लोग स्लाइड पर डाल के अगला स्टेप हमारा स्लाइड स्टेनिंग का। स्लाइड स्टेनिंग से पहले हमने क्या किया कि इसको हमने 4 से 5 बार फ्लेम पे पास किया था, जिससे इसके ऊपर की जो वैक्स थी, वैक्स की परत होती है, वो हट जाती है। अब ये हमारा स्टेनिंग का स्टेप आता है। ये हमने क्या किया, स्टैंड पे रखा। स्टैंड पे रखने के बाद कार्बोल फुशन को इस पर डाल दिया। कार्बोल फुशन डालने के बाद इसको नीचे से फ्लेम पे गर्म कर देते हैं कार्बोल फुशन को। और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद इस स्लाइड को हमने स्टैंड करने के बाद वॉश करना है रनिंग टैप वाटर में, रनिंग टैप में बहता हुआ पानी में इस तरह से इसको वॉश करेंगे। अगला स्टेप आएगा स्टेनिंग का दूसरा स्टेप, जिसे हम लोग बोलते हैं डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन के लिए हम लोग को चाहिए होता है 25% H2SO4, 25% सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है, 75% डिस्टिल वाटर होता है, 25 ml सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड में डाल देते हैं इस तरह से। ये करता है डीकलराइजेशन,
जो हमारा एक्स्ट्रा कार्बन क्वेश्चन आ गया उस पर उसको डिकोलराइज कर देगा। डिकोलराइजेशन स्टेप होता है, इसमें क्या करेंगे 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं इस तरह से स्लाइड को। अब 3 मिनट बाद इस स्लाइड पे जो हमने कलर डिकोलराइजेशन के लिए किया था, अभी सल्फ्यूरिक एसिड को कॉटन में गिरा लेते हैं और पीछे की दिशा में पीछे पोर्शन पे पोंछ देते हैं इस तरह से। उसके बाद रनिंग टैप वाटर में वॉश कर देते हैं इस तरह से। इसमें देखते हैं कि स्लाइड का कलर चला गया कि नहीं। अगर कलर नहीं गया, अभी भी कलर बचा हुआ रेड कलर, तो फिर से 3 मिनट के लिए फिर से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ये हमारा कलर चला गया है। अब इसके बाद हमारा आखिरी स्टेन आता है, जिसे हम लोग काउंटर स्टेन जानते हैं, काउंटर स्टेन नाम से। तो काउंटर स्टेन के लिए हम लोग 3 रिएजेंट है, उसमें से किसी को यूज कर सकते हैं, मेथिलीन ब्लू, मैलाकाइट ग्रीन या पिक्रिक एसिड। तो हम लोग मेथिलीन ब्लू को यूज कर रहे हैं। ये हमारा मेथिलीन ब्लू है, इसको 2 से 3 ड्रॉप डाल देते हैं और 1 मिनट बाद वॉश कर देंगे। ये हमारा काउंटर स्टेन हो गया। एक मिनट बाद फिर हम इसको वॉश कर देते हैं रनिंग टैप वाटर में। अब हमारी स्लाइड इसमें तैयार है, इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे सूखने के लिए, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक करेंगे। ये हमारा इसमें तैयार है, स्पुटम 4FB का जेल लेंसिंग स्टेन मेथड से हमने स्टेनिंग किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका माइक्रोस्कोपिक करेंगे। ये हमारे पास बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करेंगे, हम स्लाइड को देखने के लिए 100 S का ऑयल इमर्सन चाहिए होता है, पैराफिन ऑयल चाहिए होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको पहले हम स्लाइड को स्टेज पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, पहले 45 पे लगा देते हैं। 45 पे लगाने के बाद इसको पहले हम देखते हैं स्टेनिंग सही आई है कि नहीं। अगर रेडी से तो हमारा स्लाइड स्टेन खराब हो गया, अगर रेड नहीं तो स्लाइड स्टेन अच्छा है। स्लाइड स्टेन बढ़िया है। अब इसको क्या करेंगे, हम 100X पे घुमाएंगे और 100X पे घुमाने के बाद क्या करेंगे, इससे पहले हम 1 ड्रॉप ऑयल डाल देते हैं, पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल है, इमर्सन ऑयल जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप का, ऑयल इमर्सन। और 100X पे देखते हैं इसे, तो ऑयल इमर्सन को क्या करते हैं, स्लाइड पे 1 ड्रॉप ऐसे लगा के स्टेज पे लगा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिक्स करते हैं। लाइट सोर्स तेज होना चाहिए इसके लिए। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं चावल के दाने समान रेड कलर के इसमें दिखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखता है स्पुटम 4FB बैक्टीरिया, शायद आपको इसमें दिखे। ये तो हम एक पिक्चर शो करते हैं। ठीक है, उसमें नहीं देखा, ये हमने दूसरे मोबाइल में इस पिक्चर खींची इसकी। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं जो रेड कलर के हैं, हल्के हल्के रेड कलर के चावल के दाने समान है डॉट डॉट्स, ये स्पुटम 4FB के बैक्टीरियाज हैं। किसी वजह से ज़्यादा खांसी आती है, बलगम आता है, और इसके लिए दवा 6 महीने से 9 महीने कोर्स चलता है। RNTCP एक कोर्स है जो इसको चलाती है, RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जिस संस्था को चलाती है, और डॉट्स जो इस दवाइयों को वितरित करती है सभी पेशेंट्स को, सभी को फ्री मुफ्त इलाज किया जाता है। बहुत बड़ी बीमारी है ये। थैंक यू, डॉट्स ऑल।